वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि बड़ी अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब ट्रिपल SC पेपर लीक मामले में STF नहीं करेगी मीडिया से बातचीत। तो आप इस खबर को कैसे लेते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। यानी कि जब STF की वाहवाही हो रही थी, उसको मंच से जब उसको मेडल्स दिए जा रहे थे, तब तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब STF से क्वेश्चनर किए जा रहे हैं पेपर लीक मामले में, तो अब ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों में, जब सारे उत्तराखंड के बेरोजगार, सारे उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड STF की तारीफ पे तारीफ कर रही थी उनकी सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ऐसा अब क्या हो गया कि मीडिया पर बात करने से STF की रोक, STF के अधिकारियों को जो है रोक लगा दी है। आखिर कौन है इसका आदेश दिया है, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में वो अन्य भर्ती घोटाले में STF की ताबड़तोड़ से शासन के उच्च अधिकारियों की नींद उड़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां से आदेश आया होगा, मुझे स्पष्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं कहां और किसकी बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ पूरा अंदेशा हो गया है कि कहां से यह आदेश पारित हुआ है कि घोटाले में STF की ताबड़तोड़ से शासन के उच्च अधिकारियों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि उत्तराखंड STF की किसी भी कार्रवाई की सूचनाओं का आदान प्रदान मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया है। मीडिया में जो है प्रतिबंधित यहां पर जो है कर दिया गया है, यानी STF मुख्यालय से मीडिया को किसी भी तरह की कार्रवाई से संबंधित जानकारी और आधिकारिक बयान देने के लिए शासन स्तर से प्रतिबंध लगाने के बाद सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह समय से पहले STF को गोपनीय सूचनाओं के लीक होने का हवाला दिया जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा, जब कभी भी मीडिया में बाइट आती है STF के ऑफिसरों की या जो STF की टीम इंचार्ज है, जब कोई गिरफ्तार होता है या जब कोई और भी इन्फॉर्मेशन पूछनी होती है तभी दिया जाता है। कोई फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ लिखा जा रहा है और जो ये मामला बताया जा रहा है कि सूचना लीक होने का हवाला दिया जा रहा है, ऐसा कोई भी हवाला यहाँ नहीं है। बल्कि मेन मुद्दा जो है और मेन चीज़ें कहां से आदेश पारित हुए, आप समझ सकते हैं कि घोटाले में STF की ताबड़तोड़ से शासन के उच्च अधिकारियों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि STF को किसी भी कार्रवाई करने से पहले या बाद में मीडिया को बाइट देने से पहले शासन से यहां पर जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले और भर्ती घोटाले में उत्तराखंड STF लगभग 3 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं जो सबसे और ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वन दरोगा भर्ती घोटाले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले आपको पता है कि जस्ट 2 या 3 दिन पहले STF ने एक वन दरोगा भर्ती में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनकी जो है पुष्टि मीडिया में हुई थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन कहीं भी इसकी कोई सूचना नहीं है। नहीं तो कोई भी अगर क्या अरेस्ट होता था तो तुरंत वहां पर STF जो है उसकी मीडिया में सारी जानकारी अवेलेबल करा देती थी। तो इसके पीछे कौन अधिकारी है, क्या है, कौन सफेदपोश है, आप समझ सकते हैं पूरी कहानी कहां से यहां पर स्क्रिप्ट जो है लिखी जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ये तब है जब सरकार STF की सराहनीय का जो कार्य है उसको खुले मंचों से कर रही है। यही मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला, 15 अगस्त में आपने तो मेडल जो है STF को बांटे थे, तो अब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको STF के मीडिया से संपर्क करने पर जो है प्रतिबंधित करना पड़ा। इसके मतलब कहीं ना कहीं 0 टॉलरेंस, क्या क्या जो आप बड़े से बड़े वादे करते हैं उनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस इन्फॉर्मेशन पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलता हूँ इस वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।